पौड़ी शहर के निकट सीकू घड़ियाल में पारंपरिक तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा यहां घड़ियाल देवता की वार्षिक पूजा अर्चना के साथ ही भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह ही हुजूम उमड़ा। इस दौरान गढ़वाल के सबसे बड़े गाँव में एक निसड़ी और भैंसवाड़ा समेत आसपास के गाँव, आसपास के शहरों, दिल्ली और अन्य स्थानों से संख्या में यहाँ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मंदिर में इस दौरान निशान भी चढ़ाए गए। वहीं निसड़ी गांव से पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार लाए गए दूध खड़े से भगवान के भोग लगाने के बाद रोट काटकर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां काली की पूजा अर्चना भी बड़े ही भव्य तरीके से की। कुल मिलाकर कोरोना के काल 2 साल बाद अंतराल के बाद इस साल यहाँ घड़ियाल देवता का वार्षिक पूजन और मेला भारी ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल से काफी साल से ये मंदिर की जो है पूजा नहीं हुई थी, तो अभी 3-4 साल से इस साल काफी अच्छा आयोजन किया गया हमारी समिति के द्वारा, और एक अच्छा लगा हमें कि काफी अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ है। कोरोना का फिर से कहर दोबारा से देखने को मिल रहा है, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि फिर से वो ना हो स्थिति जो पहले हुई थी। और बहुत अच्छा लगा कई सालों बाद यहाँ आके। एक्चुअली ये मेरी मम्मी के गांव के देवता हैं, तो कई सालों बाद मैं यहाँ आई हूँ और इतने सारे लोगों को, इन सब लोग का जोश देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। और मेरा भी यही मनोकामना है कि कोरोना फिर से ना फैले और लोग मंदिर आ पाएँ आराम से जैसे आते हैं। ये बोली जानो छो कि जो हमारी संस्कृति चा, जो हमारे उत्तराखंड को संस्कृति चा, वो अगले बढ़ चढ़ी चा और ये मेला और बड़े स्तर में होने चढ़ा चला। और एज ए इन्फ्लुएंसर मेरे नौच पार्टी भेजी कटोली पौड़ी गढ़वाल बड़ी छो, एज ए इन्फ्लुएंसर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है कि हम अपने संस्कृति से अगले बढ़ावा और सोशल मीडिया को गलत यूज ना करके पॉजिटिव वे में लोगों के बारे में थोड़ा अवगत कराया। किसी को रात को सपना आया होगा, क्योंकि देवी देवते या पहले पुराने हमारी ऐसी प्रथा चली हुई है कि समय की स्थापना यहाँ पे कर देना, तब सपना आया गांव में, तो उस हिसाब से पूजा हुई था, बनना उस हिसाब से हमने पूजा करनी शुरू की उसकी, तो जैसे सपना आया था हम इस हिसाब से ये पर्व मना रहे हैं इसको। जब उन्होंने आया हमारे सपनों में, देवी देवताओं के सपनों में आया था, तो बोला कि मेरी स्थापना यहाँ पे करना है घंडाल में, ऊँची एक ऊँची सी धार में, मतलब कि सबसे ऊँची धार है ना हमारे यहाँ से, इसलिए यहाँ पे स्थापना करते हैं, तो इसलिए हम ये पर्व मनाते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ भाड़ है, एक राजनीति को भेजा गया है, राज्य पुलिस ने यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखा है। और इस मंदिर में मेले के समीप है पहली पटाजी है, बकरे ला रहे हैं लोग, लेकिन इन बकरों पर भी रोक लगा दी गई है, अब इस मंदिर में कोई बकरा बलि पटा नहीं है।